चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग एक बार फिर से क्लास आपके सामने है और फार्माकोग्नोसी यूनिट टू खत्म हो चुकी है फिफ्थ सेमेस्टर के हिसाब से। यूनिट टू में जो लास्ट कुछ ड्रग्स की मैंने छोड़ दी है स्लाइड शेयर से नहीं डाला है, बुक्स को लिख लेना क्योंकि उसमें कुछ खास नहीं हो, इम्पोर्टेंट एग्जाम में आता भी नहीं, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, तीन चार ड्रग है बस। यूनिट थ्री स्टार्ट करते हैं, यूनिट थ्री फार्माकोग्नोसी। ठीक है, कुछ लोग बहुत खास लोग कह रहे थे यूनिट फाइव पहले स्टार्ट करते हैं, यूनिट फोर स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पहले यूनिट फाइव स्टार्ट कर रहे हैं आपके सामने, यूनिट थ्री स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट थ्री क्या है हमारा, आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, अभी कैसे होता है इसको समझिए पहले। जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पर आपसे कहूं, आज से बहुत सालों पहले जब ये एलोपैथिक सिस्टम नहीं था, ये एलोपैथिक कॉपी कहां से किया गया, ये कॉपी किया गया हमारे आयुर्वेद से। जैसे हम लोग हल्दी आज से नहीं, हम लोग वो लोग आज कुरकुमा लावा की टर्मरिक की या कॉमरिन की या कुरकुमिन की टैबलेट खा रहे हैं, कुरकुमिन की कैप्सूल खा रहे हैं, लेकिन हम हल्दी हजारों सालों पहले से खा रहे हैं। तो क्या होता है कि हम हल्दी खाते थे, पूरा पूरा खाते थे, वो हल्दी का मेन जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जैसे कुरकुमिन, उसको बाहर निकाले और उसका टैबलेट और कैप्सूल बना दिया, बोले देखो ये एलोपैथिक है। ठीक है, जैसे कि हम लोग का देखा जाए तो एक पुदीना होता है, तो पुदीने के अंदर से जो मेंथॉल निकलता है तो हम पूरा पुदीने की पत्ती खाते हैं, वो पुदीने के अंदर से मेंथॉल को निकालते हैं, फिर उसको कैप्सूल में कन्वर्ट करते हैं, टपलाते हैं, तब खाते हैं। तो कुल मिलाकर जो कोग्नोसी है वो यही है कि जड़ी बूटी से कैसे दवाइयां निकाली जाती है। इस यूनिट में अगर हम आपसे बात करें तो इस यूनिट में ग्लाइकोसाइड एल्कोलाइड टर्पीन रेजिन ये चार पांच कैटेगरी के कुछ एग्जाम्पल है, कुछ ड्रग है कि उन ड्रग को कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, उनको हम कैसे निकालते हैं और उसको कैसे, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट, जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं आपको दे दूं नीम की पत्ती, अब नीम की पत्ती के अंदर निम्बीन है, आइसोनिम्बीन है, निम्बिसिडीन है, तो मैं आपसे कहूं चलो निम्बीन निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालोगे, किसी भी प्लांट के क्रूड मटेरियल से कैसे एक्चुअल ड्रग निकालते हैं, उसी को कहते हैं आइसोलेशन। क्लियर, तो इस चैप्टर में पहले तो हमको किसी भी ड्रग का आइसोलेशन समझना है, फिर आइसोलेशन करने के बाद जो हमने निकाला है क्या वो एक्चुअल में भाई उससे मिलता जुलता बहुत कुछ होता है। जैसे मैं आपके सामने नमक रख दूं और सोडा रख दूं तो आप देखेंगे तो कहने लगे पहचानेंगे कि कौन सा चीज है, लेकिन आप टेस्ट करेंगे पहचान जाएंगे। तो जो पहचाने आप टेस्ट करते वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन। तो आइसोलेशन के बाद हमको उस ड्रग का आइडेंटिफिकेशन करना है कि जो आइसोलेट हुआ है वो एक्चुअल में वो है कि नहीं, तो दूसरा हो गया आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन के बाद एक होता है एस्टिमेशन, जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं ढेर सारा एक मुट्ठी लाकर के या 100 ग्राम लाकर के आपके सामने कोई ड्रग रख दूं तो आप ये बता सको कि उसकी प्योरिटी कितनी है, उस 100 ग्राम में कितने परसेंट एक्चुअल में ड्रग है कि नहीं है, दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन। तो इस पूरे यूनिट में कोग्नोसी के यूनिट नंबर थर्ड में हम अलग अलग ड्रग्स के आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन और एस्टिमेशन की बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इस यूनिट से सवाल कैसे आते हैं, क्वेश्चन कहते हैं एग्जाम में। देखिए अगर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे क्या करेगा, केवल एक टॉपिक पूछेगा कि राइट द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ मेंथॉल, राइट द आइसोलेशन ऑफ मेंथॉल, ठीक है, राइट द एस्टिमेशन ऑफ एट्रोपिन, यानी किसी एक ड्रग का एक टॉपिक पूछेगा, वो शॉर्ट क्वेश्चन। जब आपसे लॉन्ग पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, जैसे मान लो क्वेश्चन मेंथॉल है तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, राइट द आइसोलेशन एस्टिमेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ द मेंथॉल, तो सारा कुछ आपको लिखना होगा। तो हमारा जो इस चैप्टर में यूनिट में पहला ड्रग है वो है मेंथॉल, जो कि टर्पेनोइड कैटेगरी की। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, मेंथॉल के आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन और एस्टिमेशन की बात करने वाले। बोर्ड में शायद आपको कुछ चमक रहा होगा, साइनिंग कर रहा होगा, आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे सर चमक रहा है, तो यार प्रैक्टिकल आज हम टेस्टिंग कर रहे हैं, लाइव कुछ कमरे की पढ़ा के टेस्टिंग कर रहे हैं कि बोर्ड और अच्छा दिखे, इसके लिए भी कुछ व्यवस्था करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मेंथॉल की बात कर लेते हैं, तो लिखना कैसे है, तो सबसे पहले आपको मेंथॉल के बारे में लिखना है कि मेंथॉल है क्या। एक्चुअली मेंथॉल क्या है, टर्पेनोइड है। कौन सा टर्पेनोइड है, दिस इज द मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पेनोइड। मोनोसाइक्लिक का मतलब इसमें एक साइकिल है, कौन सा साइकिल है, बेंजीन, ना बच्चा बेंजीन नहीं है, क्या है, हेक्सा, क्या है, क्लोरोहेक्सेन, सॉरी साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन तब होता है जिसमें पाई बॉन्ड लगे होते हैं, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन रिंग है, मेथिल ग्रुप लगा है यहाँ पे, आइसोप्रोपाइल लगा है और ऊपर मेथिल है और यहाँ पे OH ग्रुप है, तो ये क्या है, मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पाइड ग्रुप है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि मेंथॉल इज अ मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पेनोइड डेरिवेटिव ऑफ द ड्रग। ठीक है, दूसरा इसमें क्या होता है, इसमें एल्कोहल ग्रुप लगा होता है, तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि मेंथॉल कंटेन्स वन एल्कोहलिक ग्रुप।
ठीक है, ये एल्कोहलिक ग्रुप लगने से मतलब ये कभी एल्कोहल सॉल्युबल हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, ये कहां सॉल्व, देखिए ये कहां से निकलता है, इसको हम कैसे निकालते हैं, ये देखिए सबसे पहले जो मेंथॉल है वो निकलता कैसे है, एक प्लांट होता है जिसको बोलते हैं मेंथा पिपरेंसिया, फैमिली क्या होती है लैबिएटी, आपने पढ़ा होगा कोर्सिंग पढ़ा है, तो मेंथा पिपरेंसिया प्लांट के पत्तियों से क्या निकलता है, पिपरमिंट ऑयल, और उस पिपरमिंट ऑयल में करीब 50% एल मेंथॉल होता है जिसको हम कहां से निकालते हैं, पिपरमिंट ऑयल से। तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि द मेंथॉल इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द मेंथा पिपरेंसिया ऑफ फैमिली लैबिएटी, ठीक है, एंड फ्रॉम द लीव द पिपरमिंट ऑयल इज ऑब्टेन एंड फ्रॉम दिस पिपरमिंट ऑयल अबाउट 50% ऑफ मेंथॉल इज आइसोलेटेड। क्लियर हो गया, अगली बात करते हैं किसमें एल्कोहल सॉल्युबल इन एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म ईथर, आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, दिस इज क्लोरोफॉर्म एल्कोहल एंड ईथर एंड क्लोरोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। इसका यूज क्या है, देखिए आपको मेंथॉल का भी यूज बता, कोई भूलिएगा नहीं, कभी आप कोई च्युइंगम खाए होंगे, कभी आप कोई टॉफी खाए होंगे, कभी आप कोई कफ सिरप पिए होंगे जो पीने के बाद गले में हल्का सा ठंडक लगता है, कभी कोई टॉफी खाए ऐसे क्या आता है, क्लोरोमिंट आता था पहले, क्लोरोमिंट आता था, तो कभी आप कोई चीज आप कफ सिरप पीजिए तो गले में जो ठंडा इफेक्ट आता है वो एक्चुअल में मेंथॉल से आता है, मेंथॉल मिला देने से उस पर सूदिंग इफेक्ट आता है, ठंडापन आता है गले में, तो अक्सर वो कफ सिरप वगैरह में फूड आइटम्स में पड़ते हैं, ठीक है। तो पहला काम तो क्या है कि इसका यूज क्या है, मेंथॉल इज यूज एज द एडिटिव इन फूड मटेरियल्स, कफ सिरप्स एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट, अदर बेकरी प्रोडक्ट्स में भी करते हैं। अगर बात करें यूज क्या है, ये ओरल हाइजीन प्रोडक्ट, इसकी अगर आप मुंह में कुल्ला वगैरह करोगे तो मुंह भी साफ करने में काम आता है, जितने भी माउथ वॉश होते हैं सारे माउथ वॉश में मेंथॉल मिला होता है। अगला है ये टोबैको में, सिगरेट में, भाई सिगरेट की स्पेलिंग गलत हो सकती है, सिगरेट में पीता नहीं हूं तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना, तो टोबैको में ये सिगरेट में कुछ लोग होता है ना, महंगी सिगरेट आती है पीने के बाद उसका अच्छा लगता है, ठंडा लगता होगा, तो उस केस में भी हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो वो जो सिगरेट टोबैको वाले होते हैं उसमें भी क्या होता है, ये मेंथॉल मिले होते हैं। इसके साथ साथ ये फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं, कूलिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं। ये बात हो गई मोटा मोटा मेंथॉल की। अब हम बात करेंगे मेंथॉल का आइसोलेशन कैसे करेंगे, ये आपको मैं रे डायग्राम बना रहा हूं, आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ऐसे आपको जल्दी याद हो जाएगा। देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूं, पहले सबसे पहले जो मेंथा पिपरेंसिया की पत्तियां हैं उन पत्तियों को तोड़िए, उन पत्तियों का क्या करिए, डिस्टिलेशन, आपने कोमोनोसी में पढ़ाया कि डिस्टिलेशन कैसे होता है, स्टीम डिस्टिलेशन करिए, सिंपल डिस्टिलेशन करिए, पत्तियों को तोड़ दीजिए वाटर फ्लास्क में, रॉ वाटर फ्लास्क में, और पानी डाल करके उसको बॉइल करिए तो धुआं निकलेगा, फिर इकट्ठा होगा, तो उस पिपरेंसिया से जो आपको मिक्सचर मिलेगा उस मिक्सचर में ऑयल होगा और वाटर होगा, फिर उस वाटर को आप डिस्टिलेट कर उड़ा दीजिए तो आप क्या मिल जाएगा, ऑयल, क्या मिलेगा, ऑयल, कौन सा ऑयल, पिपरेंसिया पिपरमिंट ऑयल। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, पत्तियों के द्वारा डिस्टिलेशन प्रोसेस से पिपरमिंट ऑयल प्राप्त करेंगे, क्योंकि उस पिपरमिंट ऑयल में मॉइस्चर भी है, पानी भी है, तो उसको क्या करेंगे, हम मॉइस्चर को फ्री करेंगे, कैसे करेंगे, एक बेड होता है आपका सिलिका जेल का बेड होगा या आपके जितने भी कुछ एडजॉर्बेंट का बेड होगा, उससे जब पास करेंगे तो मॉइस्चर पूरा निकल जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, ऑयल। तो पहले स्टेप में हमको क्या मिल गया, ऑयल। अब उस ऑयल को क्या करना है, एक प्लास्टिक का पैकेट लीजिए, पॉलिथीन लीजिए, उस पॉलिथीन के अंदर ऑयल को भर दीजिए और ऊपर से टाई कर दीजिए, खूब कस गट्ठी बांध दीजिए जैसे मैंने ये कर लिया, और इसको -60 डिग्री सेल्सियस पे, रिपीट अगेन, -60 डिग्री सेल्सियस पे, जीपेट का क्वेश्चन रहेंगे किचन टेम्परेचर पे, -60 डिग्री सेल्सियस पे 7 दिनों के लिए रख दीजिए। जब हम इसको -60 पे 7 दिन रखेंगे मतलब डीप फ्रीज, बहुत ठंडा कर देंगे, तो जो ये ऑयल है वो क्रिस्टल के रूप में बदल जाएंगे। क्रिस्टल देखा कभी आपने पान दुकान में, ब्रास देखा, ब्रास वो एक्चुअल मेंथॉल की तरह होता है, उसमें लंबे लंबे कुछ सुई की तरह नुकीले क्रिस्टल्स होते हैं जिसको फ्लेक्स बोलते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पे इसको ठंडा करेंगे 7 दिन के लिए, तो हमको मेंथॉल के, ये देखिए मेंथॉल के फ्लेक्स यानी बड़े बड़े क्रिस्टल हमको मिल जाएंगे, मेंथॉल के फ्लेक्स मिल जाएंगे, हमारा काम हो गया। ये तो कुछ चाहिए था, लेकिन जो इसमें से मदर लिक्वर बचेगा यानी बचा हुआ जो सॉल्वेंट बचेगा उसको मदर लिक्वर कहते हैं। अब उस मदर लिक्वर को हम फेंकेंगे नहीं क्योंकि उसमें अभी और मेंथॉल है। जैसे एग्जांपल तौर पे आप कभी मैगी बनाते हैं तो मैगी का मसाला काटते हैं और काट के मसाला गिरा देते हैं तो फिर भी कुछ मसाला पन्नी में चिपका रहता है। अगर आप असली आदमी हैं तो पन्नी के अंदर जीभ डाल के चाट के पूरा मसाला खत्म करेंगे,
उसी तरह से जब इसको निकालेंगे तो जो मदर लिक्वर है उसमें भी अभी मेंथॉल बचा है, तो उस मदर लिक्वर में दो चीज का कॉम्बिनेशन होता है, मेंथॉल का और मेंथोन का। आई रिपीट, मेंथॉल मेंथोन, ये एल्कोहल डेरिवेटिव, ये कीटोन डेरिवेटिव, ये भी जीबेट इक्वेशन है कि किसमें कॉम्बिनेशन होता है, मेंथॉल और मेंथोन। तो मेंथॉल तो हमको चाहिए ही चाहिए, जो मेंथोन है उसको कैसे अलग करेंगे। अब जो मेंथोन है इसमें क्या करेंगे, हम बोरिक एसिड मिलाकर 3 घंटे तक उबालेंगे, बॉयल करेंगे विद बोरिक एसिड। जब 3 घंटे तक उबालेंगे तो मेंथॉल जो होगा मेंथोन छोड़ के निकल जाएगा और मेंथॉल फिर मिल जाएगा। फिर इस मेंथॉल को इसी तरह ठंडा करिए -60°C 7 दिन के लिए, क्या मिल जाएगा, क्रिस्टल। अब ये वाला मेंथॉल क्रिस्टल, ये वाला दोनों को मिला दीजिए, मिक्स टुगेदर। अब मिलाने के बाद डेसिकेटर में डाल दीजिए, मॉइस्चर अलग हो जाए और हमारे सामने क्रिस्टल। यही है आइसोलेशन ऑफ मेंथॉल की, मेंथॉल बनाते कैसे। आप लोग घर में भी ट्राई करिए, अगर आपके पास डीप फ्रीजर हो तो आप मेंथॉल बना सकते हैं, बस आपको पत्ती मिल जाए इसकी पेपर वेट की, और अक्सर लोगों के घर लगा होता है। अब ये बस इतना ही आप लिख देंगे तो काफी है। अगर आपको लगा लॉन्ग है, डिटेल में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए स्टेप 1 स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 1 क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल द पिपरमिंट ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ मेंथा पिपरेंसिया बाय द डिस्टिलेशन मेथड। स्टेप 2, नाउ रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम दिस पिपरमिंट ऑयल बाय यूजिंग डेसिकेटर। फिर नाउ स्टेप 3, नाउ एड फिल दिस पिपरमिंट ऑयल इन प्लास्टिक पैकेट एंड टाई एंड स्टोर इन -60°C फॉर 7 डेज। स्टेप 4, नाउ द मेथॉल इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट क्रिस्टल प्लास्टिक क्रिस्टल्स एंड द रिमेनिंग मदर लिक्विड इज सेपरेटेड। नेक्स्ट पॉइंट, इन द रिमेनिंग मदर लिक्विड, स्टेप 6, इन द रिमेनिंग मदर लिक्विड मेथॉल एंड मेंथोन बोथ आर प्रेजेंट। स्टेप 7, नाउ add the boric acid in this mixture and boil for the 3 hours. That's why the menthol removes and menthol is again obtained. अगले step में now cool the same procedure and obtain the menthol. अगले step में add both menthol flask and go send into the desiccator for remove the moisture. इस तरह से करके हम इसका isolation कर सकते हैं। ये पहला point था isolation. अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, फ्रेंड्स, कि इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। जो मेंथॉल हमको मिला है भाई, हो सकता है वो पेपर, हो सकता है वो ब्रास हो, या हो सकता है वो कपूर हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो हमें कैसे मालूम चलेगा वो एक्चुअल मेंथॉल है। तो इसको पहचानने के 2 तरीके, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट 1 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट 2। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में क्या करिए कि आप एक पोर्सलिन डिश लीजिए, चाइना डिश लीजिए, ग्लास वाल कुछ भी लीजिए, उस ग्लास में उसको क्या डालिए, मेंथॉल, मेंथॉल डाल उसको गर्म करिए। आप गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि ये उड़ जाएगा। आपने कभी सुना है, आपने प्रोसेस सुना है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, कि सॉलिड को जब गर्म करते हैं तो बिना लिक्विड बने गैस बन के उड़ जाता है। तो इसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो बिना लिक्विड बने ये भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा और कोई भी रेजिड्यू नहीं बचेगा, नो रेजिड्यू। इसका मतलब वो क्या था, मेंथॉल। कुछ और होता तो यहाँ कुछ बचता, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता, लेकिन ये क्या है, मेंथॉल। तो पहले करेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में कि टेक फ्यू ग्राम्स ऑफ मेंथॉल क्रिस्टल्स एड इनटू द पोर्सिलिन डिश एंड हीट। आफ्टर हीटिंग द ऑल मेंथॉल इज इवेपोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड नो रेसिड्यू इज रिमेन। इट मींस दिस इज मेंथॉल। ठीक है, दूसरा टेस्ट क्या है दोस्तों, कि आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा डालिए मेंथॉल और थोड़ा सा डालिए कैम्फर। ठीक है, मेंथॉल और कैम्फर, आपने वो उसका नाम सुना, यूटेक्टिक मिक्सचर, पढ़ा याद आया कुछ, क्या था यूटेक्टिक मिक्सचर, कि जब दो सॉलिड को मिक्स करते हैं तो वो लिक्विड बन जाते हैं। तो ये जैसे ही मेंथॉल और कैम्फर को हम मिला देते हैं, ये मेल्ट होकर के गल करके लिक्विड का फॉर्म ले लेते हैं सोल्यूशन का, जिससे ये प्रूफ होता है जिससे क्या है, मेंथॉल। हम क्या लिख सकते हैं कि इन आर टेस्ट ट्यूब एड मेंथॉल एंड सम कैम्फर क्रिस्टल्स आफ्टर सम लिक्विडेशन दिस कन्वर्ट इनटू द यूटेक्टिक मिक्सचर एंड कन्वर्ट्स इनटू द लिक्विड फॉर्म। It proves that is the method. ये हो गया identification test. अब हम बात करेंगे इसके friend estimation की, कैसे estimation करेंगे देखते हैं। करते हैं, अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे करेंगे इसका estimation. Method हमने बना लिया, हमने identification कर लिया, अब हम बात करेंगे कैसे करेंगे इसका estimation. तो इसका estimation करने का 2 method है, पहला titration method और दूसरा है TLC method. टीएलसी मेथड आप जाता है 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी, हम उससे भी कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं टाइट्रेशन मेथड की, मेथड नंबर 1। तो टाइट्रेशन मेथड में क्या होता है, आपको पता है कि एक हमारे पास टाइट्रेंट होता है, टाइट्रेंट एक ब्यूरेट भरते हैं, एक कंट्रोल ब्रास भरते हैं, इंडिकेटर लेते हैं और बाद में कैलकुलेट कर लेते हैं M1 V1 M2 V2 करके कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हमारा मोलर कंसंट्रेशन है।
तो क्या करेंगे, कैसे करना है, सबसे पहले हम एक 250 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे, उस फ्लास्क में या कोई भी कोलगेट फ्लास्क ले लेंगे, उसमें 2 ग्राम क्या ऐड करेंगे, अपना मेंथॉल पाउडर या मेंथॉल क्रिस्टल। पहला स्टेप, जब मेंथॉल क्रिस्टल ऐड किया, अब इसमें 5 ml मिक्सचर सॉल्यूशन ऐड करेंगे। किसका किसका मिक्सचर है, जो कि मिक्सचर है 4 ml एसिटिक एनहाइड्राइड का और 1 ml एनहाइड्रस पीडीई का, इन दोनों का मिक्सचर यहां पे ऐड करेंगे, और ऐड करने पर इसमें रिफ्रेश कंडेंसर जोड़ के इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे। जब ये गर्म करना शुरू करेंगे तो इसमें हम बाहर से 30 ml डिस्टिल वाटर मिलाएंगे, और डिस्टिल वाटर मिलाने के बाद 30 ml ये और 5 ml ये मिलाने के बाद इसको हम 15 मिनट तक गर्म करेंगे लैब में। 15 मिनट तक, क्योंकि मैं लैब तो करा नहीं सकता बोर्ड में, लेकिन मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपको लगे कि मैं आप लैब में काम कर रहे हो। तो क्या करेंगे, जब आपने इसको गर्म किया तो 15 मिनट गर्म करने के बाद आप क्या करिए, हीटर को बंद कर दीजिए, इसको बाहर उतार दीजिए और इसको ठंडा करिए, आधे घंटे एक घंटे छोड़ दीजिए, ये एकदम पूरी तरह से कूल हो जाए। जब ये कूल हो जाए तो अब ये आपका क्या सैंपल तैयार हो गया। अब इस सैंपल को हम, ये सैंपल हो गया, अब हम ले जाएं कहां, टाइट्रेशन करने के लिए। तो टाइट्रेशन करने के लिए आपको पता है क्या चाहिए होता है, ये हमारे पास ड्यूरेट है, ठीक है, और नीचे हमारा सैंपल है। यहां पे अपना हम क्या करेंगे, यहां पे अपना हम टाइट्रेट करेंगे और यहां पे क्या भरेंगे, अपना सैंपल। तो सैंपल में क्या भरेंगे फ्रेंड, जो हमने यहां से ठंडा करके निकाला, और टाइट्रेट में क्या भरेंगे, टाइट्रेट में भरेंगे 0.5 मोलर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एल्कोहलिक। यहां क्या भरेंगे, 0.5 मोलर एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें क्या भरेंगे, सैंपल। और इंडिकेटर क्या यूज करेंगे, इंडिकेटर यूज करेंगे फ्रेंड फिनोफ्थलीन। क्या यूज करेंगे, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज करेंगे, और जब एंड पॉइंट आ जाएगा, कलर आ जाएगा, तो फिर वही सेम कैलकुलेशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, m1 b1 = m2 b2। m क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, b वॉल्यूम है, और यहां से इक्विवेलेंट फैक्टर, इक्विवेलेंट फैक्टर की हेल्प से हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस 2 ग्राम में कितने परसेंटेज मेंथॉल था या कितना ग्राम मेंथॉल था। यह होगा पूरा का पूरा एस्टिमेशन। तो आज की क्लास में हम लोगों ने एक लॉन्ग क्वेश्चन खत्म कर लिया। वो लॉन्ग क्वेश्चन क्या था, राइट डिटेल नोट्स ऑन द आइसोलेशन एस्टिमेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ द मेंथॉल, या अलग अलग ये शॉर्ट नंबर में आ सकता है। तो ये हमने मेंथॉल पढ़ लिया, क्लास कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपके सामने आएंगे किसी और ड्रग के साथ, तैयारी करेंगे और बहुत जल्दी खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच।